तक बेटा कृष्णा के बारे में तुमसे मैं क्या कहूँ। बेटी होने के नाते मुझे तो उसमें खूबियाँ ही नजर आती। और अभी मैंने उसे इंटीरियर डेकोरेटर का कोर्स करवा दिया, तो बहुत अच्छी बात है सर। और भगवान ने चाहा ना तो जल्दी ही वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी बेटा। बिल्कुल सार्थक बेटा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने सही से सोच तो लिया ना, और इसमें तुम्हारे परिवार की रजामंदी शामिल है, क्योंकि तुम कृष्णा के हालात अच्छी तरह जानते हो। सर जब आप इतना बड़ा दिल रख सकते हैं, इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं सर? तो ठीक है सर, रविवार को शाम 4 बजे मैं आपसे और कृष्णा जी से यहीं मिलूँगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा भगवान की कृपा से तो मम्मी पापा ही आगे की बात करेंगे, और जो आपका डिसीजन है और कृष्णा जी। अच्छा चलता इसमें हर्ज क्या है कृष्णा? हर्ज क्या है पापा? पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अभी तक विक्रम को भूल नहीं पाई, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी विक्रम को भूल भी पाऊंगी। और दुनिया किस तरह की बातें करेगी पापा, मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ बेटा ये आसान नहीं। मैं तुम्हें किसी को भूलने के लिए नहीं कह रहा बेटा, पर किसी के लिए दिल में नई जगह तो बनाई जा सकती है मेरे बच्चे। नहीं पापा, अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। बेटा सार्थक बहुत ही होनहार बच्चा है, अच्छा जीवन साथी साबित होगा मेरे बच्चे, एक बार उससे मिल तो लो बेटा। नहीं पापा मैं, कृष्णा सुनो प्लीज, आई एम सॉरी। तुम मुझे पापा कहती हो, मेरी इतनी बात तो मानो बेटा। जी कैसी जिद कर रहे हैं पापा आप, मैं क्या करूं सार्थक से मिलकर पापा? आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं विक्रम से कितना प्यार करती हूँ। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि विक्रम मुझसे दूर चले गए, पर उनकी यादों के सहारे ही मैं बची हुई जिंदगी बिता लूंगी पापा। पर किसी और से शादी करना या घर बसाना, अब ये पापा मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा पापा। प्यार सिर्फ एक ही बार होता है पापा, बार बार नहीं होता। प्यार जिंदगी में एक बार ही होता है, लेकिन तुम सार्थक को एक दोस्त के नाते तो अपने जीवन में जगह दे सकती हो बेटी। नहीं पापा ये सब अब मुझसे नहीं होगा। बेटा जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, तो मेरी बात मानो, एक बाप की बात मान लो बेटा। पापा अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो आप ये तो सोचिए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। भाड़ में जाए दुनिया वाले, मेरी अपनी बेटी होती क्या मैं उसके लिए ऐसा नहीं करता क्या बेटा? कैसी बात कर रही हो, एक पिता अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है मेरे बच्चे। नहीं पापा मुझसे, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी अपने घर में नहीं रह सकता बेटा? लेकिन क्या करूं बेटा, मेरे कितने दिन बचे हैं। समझ कहिए पापा। नहीं बेटा ऐसा मत कर बेटा, तू एक बार उससे दोस्त के नाते मिल ले बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है पापा। जीवन बहुत लंबा है मेरे बच्चे, जीवन बहुत लंबा है। देखिए मैं सिर्फ अपने ससुर जी के कहने पे आपसे मिलने आई, पर सार्थक जी मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। देखिए मैं 8 महीने पहले मेरी शादी विक्रम से हुई थी, और 1.5 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मैंने उन्हें खो दिया, पर मैं आज भी उनसे प्यार करती हूँ और शायद मैं उन्हें कभी भुला ना सकूँ। देखिए मेरी किस्मत तो मुझे वैसे ही धोखा दे चुकी है। आप तो एक कुंवारे लड़के हैं ना, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप भला एक विधवा से क्यों शादी करेंगे। आप ये सिंपथी मत दिखाइए मुझ पर, कोई एहसान मत कीजिए। देखिए आप ये एहसान मुझ पर मत कीजिए। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ कृष्णा। जब मेरे पापा आपकी प्रोफाइल डाल रहे थे तब मैंने देखा, जब मैंने आपको आपकी फ़ोटो देखी, आपकी प्रोफाइल को देखा, आपकी क्वालिटीज़ को देखा, तो मुझे लगा कि मैं भी तो एक जीवन साथी की तलाश कर रहा हूँ, क्यों ना मैं ही क्यों ना कर लूँ आपसे शादी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस रिश्ते से मना क्यों कर रहे हैं।
देखिए सार्थक, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, पर शायद मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं कब तक अपने पति को भूल पाऊँ? इस बात के लिए आप अपनी ज़िंदगी बेकार मत कीजिए प्लीज़। आप एक जीवन साथी की तलाश में, आप किसी और को देख लीजिए जो आपके लायक हो प्लीज़। आप मुझे पता है कृष्णा, तुम्हें वक्त लगेगा, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार। देखो कृष्णा, मैं दोस्त के नाते तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी के भी जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। कृष्णा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे जानो, पहचानो और मुझे समझो। अगर तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप अपना फैसला लेना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के भी जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। मैं तुम्हारे फैसले का इंतज़ार करूँ। आई होप कि बेटा आप लोगों ने कुछ बातें की होंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी, ठीक है। लेकिन कृष्णा, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। जब तक तुम नहीं कहोगी, मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊँगा मेरे बच्चे। और सार्थक, तुम तो जानते ही हो कृष्णा के साथ क्या हादसा पेश आया है। एकदम से किसी को भी दिल में जगह देना बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे। जी सर, जी सर, मैं भी ये मानता हूँ। तो मेरी इच्छा है कि आप कभी कभार घर में आया करो, कृष्णा से बात किया करो, वो थोड़ा तुम्हें समझेगी, तुम थोड़ा उसे समझोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बातचीत को आगे अच्छे ढंग से बढ़ाया जा सकता है। मैं अपनी बच्ची के ऊपर ना उसकी रजामंदी के बिना कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहता। जी सर। है बेटा, तो आप उसको समझो, वो आपसे समझेगा। जब तक बेटा तुम नहीं कहोगे, मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊँगा। जी सर। सार्थक, कोई समस्या तो नहीं बेटा इस बात में? बिल्कुल सर, मेरे को कोई समस्या नहीं है। मैं भी कृष्णा जी को खुश देखना चाहता हूँ, और आप लोगों को। शाबाश बेटा। एक बात तो तय है कि ऊपर वाला जिसे मिलाने पे आता है ना, उसे मिलाकर ही मानता है। ये मानना पड़ेगा बेटी कि उसकी इच्छा के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। बहुत हैरानी की बात है कि आज भी हमारे समाज में तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को समाज में सामान्य तरीके से नहीं देखा जाता, उन्हें अलग थलग रखा जाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है इन महिलाओं का साथ दें, इन्हें आगे बढ़ने में सहायक बने, इनके अभिभावक बने और समाज का हिस्सा बनाएं और इन्हें माने। इस वीडियो के माध्यम से हमने यही आपसे गुजारिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार।